कोलिजन के अंदर पहला पॉइंट क्या है? कोलिजन्स कितने टाइप की हुई? तीन। पहली कोलिजन कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर M1 मास है, मूविंग विद U1 है, अगर M2 मास है, मूविंग विद U2 है, आफ्टर कोलिजन M1 की वेलोसिटी V1 है, M2 की वेलोसिटी V2 है, तो आपके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, राइट? दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट लगा सकते हैं, हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर, हाफ M1 V1 स्क्वायर एंड हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। ये लगा के आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है, अगर आपकी कोलिजन सिर्फ 1D में चल रही है, तो V1 का एक बड़ा सा फॉर्मूला हमने किया था, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 इंटू U2 बाय M1 प्लस M2, और ऐसी V2 का फॉर्मूला था M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 इंटू U1 बाय M1 प्लस M2। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? V1 V2 के ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक तो आपकी किस्मत है। अगर बिल्कुल CBSE लेवल NCERT लेवल क्वेश्चन आता है जिसमें 1D कोलिजन है, इलास्टिक है, आप V1 V2 लगाएं, आंसर डन हो गया। ज़्यादातर कंपटीशन के क्वेश्चंस नहीं आते इस पे, वो जानबूझ के डालते हैं, लोगों वैल्यू पुट करो, आंसर को बात नहीं बनी, क्वेश्चन ही ऐसा डालेंगे जिसमें ये इक्वेशन के साथ काम चलेगा। रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 है, ये रेस्टिट्यूशन है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन भी 1 है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये आपकी कौन सी कोलिजन हुई? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें एक और शॉर्टकट रिजल्ट है, अगर M1 M2 के बराबर है तो वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगी? एक्सचेंज हो जाएंगी, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जो नेक्स्ट टाइप की आपकी कोलिजन है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर M1 मूविंग विद U1 है, M2 विद U2 है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी V1 एंड V2 है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन इसके अंदर वैलिड है, आप ये लगा सकते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1। बट इसके अंदर आपको क्या गिवन होगा? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन की एक और इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, U1 माइनस U2, इन दोनों को सॉल्व करके V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा नहीं, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन है या रेस्टिट्यूशन है, आपका आंसर आ जाएगा, बात क्लोज। सही यहाँ तक? तीसरा आपका जो कोलिजन है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें आपको एक बुलेट गिवन होगा, जैसे एक बुलेट है M1 मूविंग विद U1, एक ब्लॉक गिवन होगा, और ये ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन M1 प्लस M2 बुलेट इसके अंदर घुस जाएगा, और कॉमन वेलोसिटी निकालनी होगी, मोमेंटम टक्कर से पहले ये रहा और टक्कर के बाद ये रहा, तो आप यहाँ से कॉमन वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, ठीक, पर एनर्जी कंजर्वेशन इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि इन इलास्टिक की कैटेगरी है, एनर्जी लॉस तो होना ही है। ठीक है यहाँ तक? तीन, और चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, 2D कोलिजन। दबा के आती है 2D कोलिजन। कैसे? सपोज एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और सपोज वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सामने एक और बॉल है, सामने मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सामने मान लो 20 kg का एक एक बॉल है, और लाइंग एट रेस्ट। टक्कर के बाद क्या हुआ?
जो 10 केजी का ब्लॉक है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, और जो 20 केजी का ब्लॉक है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v2 एट एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, इसका मोमेंटम 10v1 है, इसका मोमेंटम 20 × v2 है, इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे 20 × v2 × cos θ2 और 20 × v2 × sin θ2, और ऐसे ही इसके कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे 10 × v1 × cos θ1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × v1 × sin θ1। मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं। फिर आपको एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्व करना है, टक्कर से पहले एक्स में मोमेंटम है 10 × 5, इसका मोमेंटम 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे है। टक्कर के बाद एक मोमेंटम एक्स में 10 × v1 × cos θ1 है और एक 20 × v2 × cos θ2 है। ये आपकी पहली इक्वेशन है, याद कुछ नहीं करना, कैसे लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में, क्लियर है, सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ किस में लिया, एक्स में लिया। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की बात करें तो दोनों का मोमेंटम टक्कर से पहले वाई में 0 है कि मूवमेंट नहीं हो रही, और वाई एक्सिस मोमेंटम कितना है 10 v1 sin θ1 है, और नीचे की तरफ −10 − 20 × v2 × sin θ2 है क्योंकि नेट मोमेंटम को क्या करना है इसमें 0। तो वाई का मोमेंटम क्लियर है कैसे करना है, मतलब ऊपर का मोमेंटम इज इक्वल टू नीचे का मोमेंटम इक्वेट कर देना है। और लास्ट है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं, ये रही एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते। बस इतनी नॉलेज मोर देन सफिशेंट है आज, छोड़ो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोलिजन पे, बस कोलिजन इतना ही है। मैं इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है आज मैं कुछ और यूज करने वाला हूं, करें स्टार्ट इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, तो लगा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m है, मूविंग विद v, कोलाइड विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m, स्टेशनरी का मतलब लाइंग एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर का मतलब इनका मास क्या है 3m, और कॉमन वेलोसिटी अटेन हो गई, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। टक्कर से पहले मोमेंटम m × v 0, टक्कर के बाद मोमेंटम 3m × vc, सॉल्व कर लेना, vc निकाल लो, बोलो क्या ऑप्शन, कुछ भी नहीं करना, चिपक गए, परफेक्ट है, इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहां से vc की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी, कितना, सी आंसर है, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 152, देखो एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, इस क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करते हैं, ये देखो आपके सामने एक पोल पोस्ट है, खंबा है ये, इसके ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, 200 ग्राम की बॉल है, राइट,
एक बुलेट आती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसका मास कितना गिवन है 10 ग्राम है, और वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, ये आपको निकालनी है। कितनी वेलोसिटी से हिट किया, एक बुलेट है और एक बॉल है, बुलेट ने बॉल को हिट किया, टक्कर हुई, बॉल भी आगे जाके गिर गई और बुलेट भी आगे जाके गिर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरा होगा। आपको हाइट शायद गिवन है, कितनी 20 मीटर की हाइट गिवन है। तो इमेजिन करो जो जो बॉल है वो सीधी गई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो बॉल की जीरो होगी, और बॉल कितने मीटर पे जाके गिरी 30 मीटर पे जाके गिरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर लो, यही गिवन है। तो जो बॉल है वो 30 मीटर पे जाके दूर गिर गई, और जो बुलेट है बुलेट भी गिरी, जो बुलेट है बुलेट भी आगे गया, और जो बुलेट है वो काफ़ी दूर आगे जाके गिरा, डिस्टेंस कितने इतना 120 मीटर दूर जाके गिरा। तो ये आपका बुलेट लैंड कर गया और ये आपकी बॉल लैंड कर गई, ऐसा हुआ आपको, राइट, क्लियर है। टक्कर की जो गेम है वो यहाँ चल रही है एक्स एक्सिस में, देख रहे हो एक्स एक्सिस, क्योंकि उसके बाद वो वाई में गिर गया, ग्रेविटी की वजह से हमारा लेना देना नहीं है, तो इतना पता है कि मोमेंटम कंजर्व होने वाला है एक्स एक्सिस में, और आपको बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है क्या है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि दोनों के दोनों नीचे गिरे, टाइम टेकन नीचे गिरने का दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस दोनों का सेम है, करके देख लेते हैं। वाई एक्सिस में दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है जीरो, क्योंकि दोनों को सीधा हॉरिजॉन्टल मोशन मिला था, तो वाई एक्सिस में 20 इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, टाइम टेकन चेक कर लो 2 सेकेंड आ रहा है। दोनों की दोनों बॉडीज कितनी देर में नीचे गिर रही है, 2 सेकेंड में नीचे गिर रही है, सही है। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो अगर मैं इस बॉल की बात करता हूं, बॉल की बात एक्स एक्सिस में करता हूं, तो एक्स एक्सिस में बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन है, इक्वेशन प्रोजेक्टाइल में एक ही अप्लाइड है एक्स एक्सिस में, एस इज इक्वल टू वी टी। अब बॉल का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 30, बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जब वो चली थी वो निकाल लेते हैं, तो मान लो ये बॉल की वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैं निकालना चाहता हूं क्या है। तो यहां से बॉल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड, तो पता लग गया कि बॉल जो है वो 15 की स्पीड से चली थी जैसे वो हिट उसको बुलेट ने किया, प्रोजेक्टाइल से हमने वेलोसिटी निकाल ली उसकी, राइट, क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से हम एक काम करते हैं, हम अब इस बुलेट की वेलोसिटी निकालते हैं, ये हमने क्या सॉल्व किया, मैंने, अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, ये मैंने जो निकाला, रुको रुको एक मिनट, मैं कलर चेंज नहीं करूँगा इसमें, ये मैंने निकाला वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मैं निकालना चाहता हूँ ब्लैक कलर में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट एक्स एक्सिस में कितना है, तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अब फिर से इक्वेशन किसके लिए लगानी पड़ेगी बुलेट की, एस इज इक्वल टू वी टी लगानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस में लगानी पड़ेगी, बुलेट का डिस्टेंस 120 है, मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी आएगी 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये 60 की वैल्यू आ गई। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक 15 और 60 क्लियर है, यहाँ तक चेक करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक 15 और 60। अब हम एक काम करेंगे, लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, कैसे, टक्कर से पहले एक्स एक्सिस में, टक्कर से पहले उस बुलेट का मास 10 ग्राम है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये रही, और बॉल किस पे पड़ी हुई थी रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया। टक्कर के बाद मोमेंटम क्या हुआ, टक्कर के बाद जो बुलेट है, बुलेट 10 ग्राम बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी के साथ गई 60, और 200 ग्राम की जो बॉल है वो कितनी वेलोसिटी के साथ गई 15, चेक कर लो, यू निकालो कितना आ रहा है 360 मार्क कर लो आंसर है। समझ में आ रहा है यहां तक कि हुआ क्या इसमें,
टक्कर से पहले और बाद में मोमेंटम हमने कांस्टेंट कर दिया इसमें, और टक्कर के बाद और पहले मोमेंटम कांस्टेंट करके, लेकिन पहले वेलोसिटीज बताऊं तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आधा क्वेश्चन उसने प्रोजेक्टाइल से डाल दिया और आधा मोमेंटम कंजर्वेशन से डाल दिया। तो समझ में आ रहा है यहां तक लॉजिक क्या है इसका? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनाया। ठीक ठीक है, नेक्स्ट है ये लो। डी देखो हुआ क्या है इसमें, एक बॉल मास एम यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे एक और बॉल पड़ी थी ऑफ मास एम, इसने इसको टक्कर मारी, इलास्टिक कोलिजन थी, मास सेम था तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। तो पहले अगर आप मुझे ये बता दें इस बॉल की नीचे उतरने की वेलोसिटी क्या है, वही वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक नीचे और ऊपर एग्जैक्टली सेम है। तो काइनेटिक यहाँ पर क्या है, जीरो। पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, एम जी इंटू 20, क्योंकि हाइट भी यहाँ पर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। नीचे पोटेंशियल क्या है, जीरो। काइनेटिक क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। इसे और इसे इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल लो, जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसको होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी, आंसर आ गया। तो निकाल लेना क्या आंसर है, टू, आंसर टू है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है। तो हमने ये किया हुआ है ऐसा कि एक सैंड का बैग है और 9.8 kg का बैग है, सस्पेंडेड बाय अ रस्सी। अब बुलेट, ये बुलेट है, 200 ग्राम का बुलेट है, इसको 1000 से डिवाइड करके 0.2 kg का बुलेट है, और ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। बुलेट सैंड के अंदर घुस जाता है, फिर दोनों इकट्ठे कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो पहले काम करते हैं, इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। अब कॉमन 9.8 और 0.2 मिला के कितने केजी हो गया, 10 kg। कंबाइंड मास कितना हो गया, 10 kg। तो आपको कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, तो टक्कर से पहले 0.2 × 10, सैंड का मोमेंटम जीरो है, और फिर 10 × VC, यहाँ से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला, अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड लॉस इन टोटल एनर्जी, ध्यान से टोटल एनर्जी पूछा नहीं इसने,
तो टोटल एनर्जी का लॉस पता है क्या होगा, पहले सिर्फ बुलेट का, बुलेट के पास एनर्जी थी, बुलेट के पास ये एनर्जी थी, फिर कॉम्बिनेशन के पास टोटल मास 10 है, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो टोटल एनर्जी का लॉस आएगा। ये नहीं पूछा उसने, उसने पूछा बुलेट की काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना है, तो आपसे ये पूछ रहा है बी ऑप्शन जो मैं करने जा रहा हूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो क्या होगा, बुलेट की इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू 10 का स्क्वायर, और अब एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू मास 10 मत लेना, 0.2 लेना, क्योंकि बुलेट का मास तो 0.2 ही रहेगा और बुलेट भी मूव कर रहा है विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो बुलेट का क्वेश्चन है ये, बुलेट का चेंज ऑफ एनर्जी निकाल के आंसर आएगा, वीसी ऊपर से नीचे पुट कर लेना, माइनस करके आंसर मार्क कर लो, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं आपको, ए ऑप्शन पूछनी है ना आपको, बी ऑप्शन पूछ रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक? नहीं क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, तो अगर वो टोटल बोलता फिर ए ऑप्शन था, तभी मैंने स्पेसिफाई किया लॉस ऑफ काइनेटिक, नहीं तो कहानी किसकी सुना रहा था, बुलेट की, तो बुलेट का ही आंसर आएगा ऐसे। मैंने बता दिया आज तुम्हें, ए और बी ऑप्शन आएगा, बात खत्म, कंफ्यूजन दूर कर दी मैंने, टोटल पूछेगा तो ए ऑप्शन, कुछ नहीं बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी वो बुलेट का आंसर है, सही है? मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसका, ठीक है ना यहां तक? नेक्स्ट है ये लो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सही है। ये तो सीबीएसई की प्रॉब्लम है, एक मास एम ने 5 टाइम मास को टक्कर मारनी है लाइंग एट रेस्ट, तो याद है के टाइम एम करते थे तो के की वैल्यू कितनी है इसमें 5, तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस क्या होता था, 4k बाय के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो के की जगह पुट कर लेना 5, आंसर निकालो आंसर। बड़ी मुश्किल से एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम आ रखी है कोलिशन में, चलो वो तो करो, ठीक है यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट, तो बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड ऑफ v नॉट कोलाइड्स इलास्टिकली विद मास स्मॉल m लाइंग एट रेस्ट। आफ्टर द कोलिजन द टू मासेस मूव एट एंगल ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 रिस्पेक्ट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास कैपिटल m लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ m बाय m और थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं अभी, आप इसे ऐसे करें जो मैं सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि एक मास है कैपिटल एम मूविंग विद वी नॉट, क्वेश्चन में मेंशनड है, ये हिट करता है एक और मास को छोटे एम को लाइंग एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन,
इसका जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है वो सेपरेट हो जाते हैं। आफ्टर कोलिजन जो कैपिटल एम है वो मूव करता है मान लो वेलोसिटी ऑफ वी वन, और जो स्मॉल एम है वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू। इसमें बड़े और छोटे एम का ख्याल रखना। और ये मूव करता है एट एन एंगल ऑफ थीटा वन, और ये मूव करता है एट एन एंगल ऑफ थीटा टू। पर मैं थीटा वन क्यों लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थीटा और थीटा ही लिखता हूँ क्योंकि एंड में उसने आखिरी लाइन में लिखा हुआ है थीटा वन और थीटा टू इक्वल है, तो मैंने भी कंफ्यूजन दूर कर दी, थीटा थीटा ही कर दिया। क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेशियो निकालनी है। ये रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मेरे को इतना पता है इलास्टिक कोलिजन है, और मेरे को कुछ नहीं आता इलास्टिक कोलिजन में। 2D में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। वही लगा के देख लेते हैं, शुरू करें। तो इसके लिए कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा करके, ऐसे तो कुछ निकलेगा नहीं इसमें से। कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। पहला कॉम्पोनेंट जो बनेगा बड़े एम का निकलेगा एम वी वन कॉस ऑफ थीटा, और ये बनेगा कैपिटल एम इंटू वी वन इंटू साइन ऑफ थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल एम वी टू के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। एक कॉम्पोनेंट जो बनेगा स्मॉल एम वी टू साइन ऑफ थीटा बनेगा, और एक स्मॉल एम वी टू कॉस ऑफ थीटा बनेगा। ये सिखाया था अभी मैंने 2D कोलिजन में, ठीक है? यहाँ तक सही? तो पहले काम करते हैं, x एक्सिस लेते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। x एक्सिस में टक्कर से पहले मोमेंटम एम वी नॉट है, इसका जीरो है, और टक्कर के बाद कैपिटल m इंटू वी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा है, स्मॉल m इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपकी पहली इक्वेशन है। y एक्सिस की अगर बात करते हैं तो y एक्सिस में ये और ये मोमेंटम इक्वल कर लेते हैं, मतलब कैपिटल m v1 वन साइन थीटा को इक्वेट करते हैं स्मॉल m v2 टू इंटू साइन थीटा से, ये कैंसल हो गया, और v2 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल m इंटू वी वन डिवाइडेड बाई स्मॉल m। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो एक हमने क्या लगाई, मोमेंटम कंजर्वेशन x में, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन y। सही है? मेरे को कुछ नजर आ नहीं रहा कि क्या करना है, तो फिर तीसरी भी लगा लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन में हाफ कैपिटल m इंटू वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल m वी वन स्क्वेयर हाफ स्मॉल m वी टू स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हम v2 की वैल्यू को तो यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, रादर एक और भी काम करते हैं। पहले ना इस v2 को यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, जब मैं इस v2 को यहाँ पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल m v0 इज कैपिटल m v1 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस स्मॉल m, v2 की जगह कैपिटल m v1 बाई m इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, स्मॉल m कैंसल, कैपिटल m v0 इज 2 इंटू m इंटू v1 इंटू कॉस थीटा आ गया, कैपिटल m कैंसल आ गया, यहाँ से v1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई v0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस थीटा। या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से v0 की वैल्यू आ गई 2 v1 कॉस थीटा, एक ही बात है, ठीक है? मतलब मैंने v2 को भी v1 की फॉर्म में निकाल लिया, मैंने v0 को भी v1 की फॉर्म में निकाल दिया। अब मैं वैल्यूज को यहाँ पुट करूँगा, v1 तो ठीक है, v0 की वैल्यू ओके, हाफ 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 कैंसिल। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, कैपिटल M इंटू v0, मैं v0 की जगह पुट करने जा रहा हूँ 2v1 cos थीटा का स्क्वायर, कैपिटल M इंटू v1, मैं v1 की जगह v1 ही रखने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल m इंटू v2, v2 क्या आया था, कैपिटल M
वी वन बाई स्मॉल एम का होल स्क्वायर। बेसिकली कर पता है क्या रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से v1 को हटाना चाहता हूँ, वेलोसिटी एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना एम बाई एम का रेशियो निकाल सकूँ। और मेरे को लगता है मेरी बात बन सकती है, क्योंकि ये 4 कैपिटल एम वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम वी वन स्क्वायर स्मॉल एम इन टू कैपिटल एम स्क्वायर वी वन स्क्वायर स्मॉल एम स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया, कैंसल। और कैपिटल एम से कैपिटल एम से कैपिटल एम भी क्या हो गया, कैंसल। और वी वन स्क्वायर से वी वन स्क्वायर से वी वन स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बच गया, और यहाँ से बचा कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ये भी बच गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया, वो 2-3 इक्वेशंस हैं, बस ये बोलो, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। क्योंकि अगर ये 1 मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, तो यहां से m अपॉन m प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 1 कितनी, 4। यहां से m बाई m की मैक्सिमम रेशियो क्या आ जाएगी, 3, 4 में से 1 गया 3, 3 आंसर मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट? जब मैंने ये पीपीटी बनाई तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि एक बार ना इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए क्लास से पहले, ऐसा नहीं है मतलब कि सब कुछ याद होता है, ऐसा नहीं होता, एक बार बंदा देख के आता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए होंगे। तो मैं देख रहा था, मैं कहा चलो ठीक है हो जाएगा, ये मेरे मन की फीलिंग आई क्लास में हो जाएगा। मैंने नहीं किया था आज तक ये सॉल्व, इसे पहले वाले बैच में मैंने किया, थोड़ा स्लो किया, आराम आराम से होगा नहीं होगा, चलो धीरे धीरे कौन हो गया। अब सेकंड थर्ड अभी कर रहा हूँ, अभी मेरे को पढ़ा भी नहीं मैंने क्वेश्चन, मतलब एकदम स्मूथ एक लाइन में हो गया। प्रैक्टिस, आप एक क्वेश्चन को जब 3 बार करते हो, आपके ऐसी प्रैक्टिस होती है, चौथी बार करने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि ऐसा होगा। यही प्रैक्टिस आपको हर क्वेश्चन के साथ करनी है। लोग एक गलत फहमी में होते हैं, मैं बहुत क्वेश्चन कर लूँगा तो अब मैं पता नहीं कितना बड़ा राजा बन जाऊँगा, अब मैं पता नहीं क्या करूँगा, कुछ ना होगा। तुम इतने भी मत कर लेना कि पिछले भूल जाओ, तुम उतने ही करना कि पिछले रिटेन हो सकें, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मतलब कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो आप पिछला ना भूलें, ऐसा कॉन्सेप्ट करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और अगर थोड़ा मेमोरी वीक है तो फिर दोबारा करो, जिसकी थोड़ी सी मेमोरी कमज़ोर है वो 2 बार करेगा, जिसकी शार्प है वो 2 बार तो फिर भी करेगा ही, ठीक है? तो कहने का मतलब कम से कम 2 बार तो आपको कोई भी काम को करना ही पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा पक्का हो पाएगा, नहीं तो एक बारी में तो चीज़ें भूल ही जाएंगी, पक्की बात है। और देखोगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लिखते जाओ करते जाओ करते जाओ कॉन्फिडेंस आएगा। मैं देख के आया था, मुझे लगा कि होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 2 बार कर लिया। अब अगर मुझे दोबारा क्लास लेनी हो, प्लस 2 की क्लास होगी, कॉम्पिटिशन बैच बता भी दूंगा कब स्टार्ट होगा, नवंबर एंड में स्टार्ट होगा। पूरी किताब के PYQ करवाने हैं, +1 के पूरी किताब के PYQ ऐसे चलेंगे फास्ट ट्रैक। तो मैं अनाउंस भी कर दूंगा, जिसको लगानी है ऑनलाइन क्लास लगाता रहेगा बैठ के, 1 बजे का बैच होता है वो, 1-1.5 बजे का, ऑल्टरनेट डेज या डेली भी लग जाता है, उसमें पूरी +1 रिवाइज होनी है। तो मतलब कोई पीछे छूट भी गया कोई टेंशन नहीं है, तो दोबारा ट्रेन पकड़ ले। और किसी को भूलता जा रहा है PYQ कोई बात नहीं, दोबारा पकड़ लेगा, क्या दिक्कत है, ऐसी तो पक्का होगा, बार 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 कर करके बार बार करके एकदम छप जाएगा, बट डन। तो मेरा भी तो ऐसी प्रैक्टिस है, बार बार करे जा रहा हूँ, प्रैक्टिस हुई जा रही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, यही टेक्निक है, ऐसी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, एक बार से नहीं होती। नेक्स्ट ये लो,
देखो क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक चला, इसने इसको टक्कर मारी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये रेस्ट पे पड़ा था, फिर ये भी चल पड़ा टक्कर के बाद, और ये इसके साथ चिपक गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो बताओ इसकी कॉमन वेलोसिटी क्या है सी की जब एंड में ये चल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप ऐसा करेंगे, इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है और ये किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो यानी कि यू टू क्या है, 0, यू वन क्या है, 9, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, वी टू, जो मैं निकालना चाहता हूँ। मैं वी वन निकालना नहीं चाहता, इसके साथ क्या हुआ मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन ये कितनी वेलोसिटी चला मुझे लेना देना है, क्योंकि इस वेलोसिटी से इसी को भी टक्कर मारनी है। अब क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मैं एनसीईआरटी का V2 का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सीधा V2 का फॉर्मूला ही लगा दो। V2 के फॉर्मूले में M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू U2 2M1 U1 बाई M1 प्लस M2, क्योंकि U2 तो जीरो या उड़ा दो इसे। V2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू M1, M1 की जगह M, U1 की जगह 9 और M प्लस 2M। तो V2 की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 2M बाई 3M इंटू 9, तो कितना आ गया यहां पर, 6। तो अब आपको यह पता लग गया इसकी वेलोसिटी, अब नया क्वेश्चन बन गया, 2m जो बी बॉडी है ये 6 की वेलोसिटी से चल पड़ा और सामने एक और 2m है रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एंड ये कंबाइन हो गए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। यू हैव टू कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी, क्या लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कोलिजन से पहले 2 × 6, इसका मोमेंटम 0, कोलिजन के बाद 4m इंटू VC, निकाल लो VC की वैल्यू, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि क्या करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, फ्री आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो यहां से निकाल लेना इसका आंसर 3 आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डायग्राम से देखने नहीं है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बुलेट ब्लॉक को धक्का मारते हैं, फिर दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं और कितनी हाइट अटेन करते हैं, 9.8 सेंटीमीटर। आपको बुलेट की स्पीड बतानी है कितनी है, आपको मास ऑफ ब्लॉक भी पता है, आपको बुलेट का मास भी पता है, 10 ग्राम है, ये 5.99 है। आपको इसकी वी की वैल्यू बतानी है, 9.8 आपको के बनना है। ये क्वेश्चन उन्होंने ऐसा किया हुआ है, अभी कैसे किया है, आप इसमें ऐसे करें ना, ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास आपको गिवन है 5.99 kg, ये बुलेट है, बुलेट का मास गिवन है 0.01 kg, यू वेलोसिटी आपको बुलेट की निकालनी है। फिर आपको ये भी पता है कि ये इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी। चलो पहले कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं, टक्कर से पहले 0.01 इंटू यू, ये रेस्ट पे है,
टक्कर के बाद 5.99 प्लस 0.01 इंटू वी सी, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू यू डिवाइडेड बाई 6, इसको ऐड करोगे 6 आ जाएगा, वी सी आ गया, लेकिन यू की फॉर्म में आया क्योंकि यू आपको निकालना है, ये क्वेश्चन यू की फॉर्म में आएगा, तो वी सी निकाल लिया यू की फॉर्म में, क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये 6 केजी का जो ब्लॉक है ऊपर गया कंबाइंड, और हाइट जो कवर हुई 9.8 सेंटीमीटर की हाइट कवर होगी, एच पी पता है, तो आपको इसमें यू निकाल, जब ये यहाँ पर रुक जाएगा तो हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन किए है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को क्या कर देंगे इक्वेट, याद है ऐसे क्वेश्चन किया करते थे, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है जीरो, काइनेटिक क्या है हाफ इंटू सिक्स इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है सिक्स इंटू जी इंटू हाइट, और काइनेटिक एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी जीरो, इक्वेट कर लो, हाफ इंटू सिक्स इंटू वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स इंटू जी इंटू 9.8 बाय 100, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, वी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.01 इंटू यू बाई 6 का होल स्क्वायर इज 6 इंटू जी इंटू 9.8 बाई 100, तो यहाँ से सॉल्व करके यू निकाल लेना आंसर, मेथड समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अपने, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है यहाँ तक। मेथड समझ में आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लग रहा है इसमें, मतलब कुछ भी याद कर ही नहीं पाओगे इसमें, आपको कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए, V1 V2 के दो फॉर्मूले याद करके पेपर देने में बैठ जाना कहीं कॉम्पिटिशन का, फेल ही हो क्या होगे पक्की बात है, आपको सामने तो है यार। हाँ NCERT में ओके, 4K बाय 1+K का होल स्क्वायर, सारे क्वेश्चन एक ही है सारे, डन, ठीक समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट ए है, देखो कैसे इसका एक क्वेश्चन करने का स्टाइल है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर छुपा हुआ, क्या एक वो कह रहा है कि एक ना मास है इसमें, ये रहा वो मास, सी मास है, ठीक है, तीनों के मासेस पहले तो बराबर हैं, MMM, इसने इसको टक्कर मारी, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का क्या है ये बताओ, तो मुझे क्या निकालना है, स्प्रिंग कितना मैक्सिमम मैंने ये नहीं कहा कंप्रेस हुआ, मैंने कहा मैक्सिमम कंप्रेस हुआ, स्लो मोशन में देखो क्या हुआ होगा, इसने इसको टक्कर मारी होगी,
स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस 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 हो गया होगा, फिर मैक्सिमम हुआ होगा। जब मैक्सिमम हुआ होगा फिर ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी। जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं हुआ होगा तो ये तेज मूव कर रहा होगा और ये स्लो मूव कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स एफ इजिकल टू के एक्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्स बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी फोर्स लग रही है, लेकिन जब एक्स मैक्स हो गया तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लग रही है, इससे लग नहीं सकती। अब दोनों इकट्ठे मूव करेंगे एज ए वन बॉडी, ठीक। लेकिन जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ नहीं, दोनों की स्पीड में अंतर होगा। ये तेज मूव करेगा और ये थोड़ा स्लो मूव करेगा। पर हमने अपना क्वेश्चन मैक्सिमम कंप्रेशन में करना है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें मान लेते हैं ये एम है, ये मान लो वी वेलोसिटी से हिट करेगा, और मान लेते हैं चलो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। ये लो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, तो कितना हो गया, एक्स मैक्स हो गया। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा विद सम कॉमन वेलोसिटी। अब ये एक बॉडी होगी मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो इससे और कंप्रेशन हो नहीं सकता। टक्कर हुई, मोमेंटम कंजर्व कर दो। टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, एम इन टू वी, सिस्टम रेस्ट पे था। टक्कर के बाद अब सिचुएशन कैसी है, एम प्लस एम मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी वी सी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना, कॉमन वेलोसिटी आएगी वी बाई टू, मतलब ये भी मूव कर रहा होगा वी बाई टू और ये भी मूव कर रहा होगा वी बाई टू, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम कंप्रेशन पे। अब ये मत कहना कि अगर मैक्सिमम कंप्रेशन ना हुआ तो आंसर कैसे निकलेगा, फिर इंटीग्रेशन निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, फिर मुझे पता नहीं कैसे निकलेगा, लंबी कहानी है। तभी जानबूझ के क्वेश्चन मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, ताकि एक ही वेलोसिटी आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगी। शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, बस वो तो रेस्ट पे था। अब फाइनल सिचुएशन कैसी है, फाइनली पहला ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बाई टू, दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बाई टू, और स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड है मैक्सिमम, ये लो स्प्रिंग एनर्जी। तो यहां से सॉल्व करके एक्स मैक्स निकाल लो, ए ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि जो 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 ब्लॉक की एनर्जी है वो दोनों की काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और स्प्रिंग की एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चलो एक मिनट के लिए, आपको ये पेपर में क्लिक ना किया, आया नहीं, क्या करोगे, छोड़ोगे या करोगे? क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन तो आपको आता ही है, देखो मत लगाओ ये देखो, एक में वेलोसिटी बाहर है, एक में अंदर, एक में है ही नहीं। तो मैं काम करो, यूनिट्स एंड डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट का और वेलोसिटी का पुट करके देख लो, जिसका आंसर लेंथ आता है वो आंसर है, इनका आएगा ही नहीं, ए ऑप्शन है भाई। देखो तो सिर्फ न्यूमेरिकल ऑप्शन दूर दूर है ना, अजीबो गरीब ऑप्शन हैं, तो यहां से पता ही लग रहा है कि इसका आंसर यूनिट डायमेंशन से इलिमिनेशन हो सकती है। सही है, ये ज़्यादा अच्छा लगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, एफ इजिकल टू के एक्स से निकलता है, के इजिकल टू एफ बाई एक्सिस, डायमेंशन फॉर्मला निकलेगा, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसे, करवाया था फोर्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज लाइंग एट रेस्ट। तो ये लो, ये आपका m1 है, मान लो u वेलोसिटी से गया, m2 को हिट करता है लाइंग एट रेस्ट,
आफ्टर कोलिजन एम वन एंड एम टू इक्वल स्पीड से मूव करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ये माइनस वी है तो ये कितना है, प्लस वी है। देखो ना, राइट का प्लस है, लेफ्ट का माइनस है। ऐसे करते थे, इक्वल डायरेक्शन से जा रहे हैं तो प्लस और माइनस कर दें। तो क्या निकालना है आपको, M2 और M1 की रेशियो निकालनी है। इसका मतलब आपको वेलोसिटी एलिमिनेट तो करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करें, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। कोलिजन से पहले M1 into U प्लस जीरो, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या है, M1 into माइनस वी, सेकेंड बॉल का मोमेंटम क्या है, M2 into प्लस वी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, M1 into U, और यहाँ पे काम करते हैं V कॉमन निकाल लेते हैं, M2 माइनस M1, इक्वेशन नंबर वन। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये वैल्यू आ गया। अब किसी तरीके से वेलोसिटी एलिमिनेट हो जाए तो मास की रेशियो आ जाएगी। तो वेलोसिटी एलिमिनेट करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन वन है। इसमें मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो अज्यूम ही करना पड़ेगा परफेक्टली इलास्टिक है, ये रेस्टिट्यूशन नहीं गिवन। तो वन इज इक्वल टू वी टू का मतलब क्या है, प्लस वी, वी वन का मतलब क्या है, माइनस वी, यू वन का मतलब क्या है, यू, यू टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू इज इक्वल टू टू वी आ गया। तो आप इस यू को यहाँ पुट कर दें टू वी, तो आपकी इक्वेशन बनेगी एम वन इंटू टू वी इज इक्वल टू वी इंटू एम टू माइनस एम वन। ये लो, बस हो गया। तो M1 को इससे डिवाइड कर लो, M2 टू बाई M1 हो जाएगा, और M1 वन बाई M1 वन है, तो यहाँ से M2 टू बाई M1 की रेशियो कैन भी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। निकाल देना यहाँ से, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, M2 और M1 की रेशियो कैन भी कैलकुलेटेड। कि रेस्टिट्यूशन लगेगा, अच्छा इलास्टिक कैसे है, रेस्टिट्यूशन गिवन नहीं था ना, इसको मेंशन करना चाहिए था, इसको मेंशन करना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। पर मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। सही है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, तो क्या क्वेश्चन है, अ बॉडी पी हैविंग मास कैपिटल एम मूविंग विद स्पीड ऑफ यू हेड ऑन कोलिजन इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ क्यू हैविंग मास स्मॉल एम इनिशियली एट रेस्ट। अगर स्मॉल एम वेरी लेस देन कैपिटल एम, ऐसे क्वेश्चन की थी एनसीईआरटी में, अगर एक मास बहुत छोटा होता है तो निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो क्यू विल हैव मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू टू यू। देखो ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं एक बॉडी कैपिटल एम है, मान लो वो यू वेलोसिटी से आती है, एक बहुत छोटी बॉडी है, किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी वी वन है और इसकी वी टू है। वो ये पूछ रहे आफ्टर कोलिजन क्यू विल हैव मैक्सिमम स्पीड, क्यू का मतलब सेकेंड बॉडी को ये क्यू बोल रहा है, फर्स्ट बॉडी को ये पी बोल रहा है, मतलब वो वी टू की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो तुम एक काम करो, वी टू का फॉर्मूला यूज कर लो। वी टू का फॉर्मूला है एम टू माइनस एम वन बाय M2 टू प्लस एम वन इंटू यू टू टू एम वन इंटू यू वन बाई एम वन प्लस एम टू।
यू टू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो ही है इसमें, वी टू इज इक्वल टू टू इंटू एम वन की जगह बड़ा एम, यू वन की जगह यू, बड़ा एम प्लस छोटा एम, क्योंकि छोटा एम बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको निगलेक्ट कर दो, तो निगलेक्ट करके एम से एम कैंसिल हो जाएगा और वी टू अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस हो जाएगा, ऐसा पहले भी डिस्कस हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टू यू, राइट। और सेकेंड ऑप्शन ये ट्रू है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ट्रू है। और ये फॉर्मूला फर्स्ट स्टेटमेंट का इन्हीं दो स्टेटमेंट से आया हुआ है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सी ऑप्शन है, पहली भी राइट है दूसरी भी राइट है, और जो स्टेटमेंट नंबर टू है स्टेटमेंट वन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आंसर, ठीक है यहां तक। सी है, टू डी कोलिजन है, क्या था एक बार पहले हमने ये, पार्टिकल जिसका मास m, इनिशियल वेलोसिटी u i कैप, कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद मास 3m एट रेस्ट, इट मूव इज वेलोसिटी v j कैप आफ्टर कोलिजन, देन v इज गिवन बाय व्हाट। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं एक ना पार्टिकल है जिसका मास m है और वो u i कैप के अलोंग मूव कर रहा है, x एक्सिस अलोंग मूव कर रहा है, इसके सामने एक और मास पड़ा हुआ है 3m, किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट। फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर कोलिजन जो m है वो ऊपर चला गया आफ्टर कोलिजन विद अ वेलोसिटी ऑफ v j कैप, j कैप 3m कहां गया, 3m जाएगा इसमें कोई शक नहीं है, 3m भी जाएगा, कहां जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और कितनों को समझ में आ गया वो यहां आएगा, कैसे समझ में आएगा, पहले भी डिस्कशन हुई थी। अच्छा आपका मन क्या कहता है, सबसे पहले मन स्टूडेंट को कहता है वो सीधा जाएगा, अगर वो सीधा जाएगा तो फिर वाई एक्सिस का मोमेंटम कोई कंजर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉम्पोनेंट नहीं बनेगा, और अगर वो सीधा नीचे जाएगा तो फिर एक्स का मोमेंटम कंजर्व कैसे हो सकता है क्योंकि कॉम्पोनेंट बनेगा ही नहीं, तो इसलिए वो नीचे जाएगा ताकि इसका जो कंपोनेंट है, मान लो वी डैश के साथ नीचे जाएगा ताकि इसका जो कंपोनेंट बनेगा कुछ ऐसे, ये देखो सच दैट थीटा एंगल पे गया तो इसका 3m इंटू वी डैश, तो 3m इंटू वी डैश इंटू कॉस थीटा मोमेंटम है और 3m इंटू वी डैश इंटू साइन थीटा। अब आपको ऐसे कैसे सोच लिया आपने, क्योंकि इस बॉल का मोमेंटम ऊपर है, इसका हर हालत में नीचे आना ही चाहिए और x में भी आना चाहिए क्योंकि इसका टक्कर से पहले मोमेंटम x में है, टक्कर के बाद x में भी आना चाहिए,
और इसका मोमेंटम वाई में है तो इसके नीचे आना चाहिए टू कंजर्व द मोमेंटम। तो अगर तुम ये चाहते हो कि इसका मोमेंटम दोनों तरफ आए तो फिर नेट वेलोसिटी इधर ही आनी पड़ेगी, ये खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले मैग्नीट्यूड मोमेंटम क्या है, जीरो, सेकेंड बॉल का जीरो, नेक्स्ट क्या है 3m इंटू वी डैश इंटू कॉस थीटा, तो m से m कैंसल, u इज इक्वल टू 3v डैश इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। x मोमेंटम कंजर्व हो गया, y का मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, y एक्सिस का मोमेंटम में ऊपर और नीचे का मोमेंटम इक्वेट करेंगे, ऊपर का क्या है v और नीचे का क्या है 3mv डैश इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से ऊपर का क्या है m इंटू वी, एम इंटू वी, तो m इंटू वी, एम से m कैंसल, तो v इज इक्वल टू 3v डैश इंटू साइन थीटा, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्लियर है मोमेंटम कंजर्वेशन से। एक काम करो, एक कॉस है एक साइन है, स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एलिमिनेट हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो क्या क्या बनेगा, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर लेफ्ट साइड, 9v डैश का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है वन। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9v डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री। राइट, क्लियर है यहां तक? तो अब आपको v निकालना है ना इसमें, v डैश मैंने खुद एज्यूम किया था, v डैश एलिमिनेट करने जा रहा हूं, कैसे, लास्ट इक्वेशन लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन, टक्कर से पहले एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, सेकेंड बॉल की जीरो, टक्कर के बाद हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू वी डैश स्क्वायर, हाफ 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 एम 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 कैंसल, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर प्लस 3v डैश स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 3। इस v डैश स्क्वायर को आप यहां पुट कर दें, आंसर निकाल लें, u और v में रिलेशन आएगा v इन टर्म्स ऑफ u। समझ में आ रहा है यहां तक लॉजिक है? 2D कोलिजन बहुत दबा के आती है।
ब्लॉक ब्लॉक 1.9 केजी का है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है एट द एज ऑफ द टेबल। ये देखो ये एक टेबल है, टेबल के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है 1.9 केजी का एक ब्लॉक है और इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है ग्राउंड से। एक बुलेट आता है 20 मीटर पर सेकंड से और इसका मास कितना है 0.1 केजी का मास है इसका, ऐसे इसको हिट करता है। फिर दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो आपको बताना नीचे गिरने पे काइनेटिक एनर्जी क्या है कंबाइंड सिस्टम की, ये बताओ। पहले तुम यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी निकालो क्या होगी। कंबाइंड वेलोसिटी के लिए 0.1 इंटू 20 ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा था, 1.9 प्लस 0.1 कितना होता है 2, कंबाइंड मास यहाँ से आ जाएगी कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो अब मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया, मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया 1 मीटर से 2 केजी के ब्लॉक को कंबाइंड वेलोसिटी से घेरा गया 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो एक काम करेंगे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है। पोटेंशियल यहाँ पर क्या है 0, काइनेटिक निकालनी है। पोटेंशियल यहाँ पर क्या है 2 × g × 1, काइनेटिक यहाँ पे कितनी है 1/2 × m × 1 का स्क्वायर। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊपर और नीचे सेम कर लेना और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना आंसर है। मतलब पहले कंबाइंड वेलोसिटी निकलेगी फिर एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? जैसे नेक्स्ट है, ये एक ब्लॉक वी है, आगे एम 2m 4m 8m के मासेस पड़े हैं। क्वेश्चन है कि ये इसे टक्कर मारता है और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आपस में चिपक जाते हैं, फिर चिपक के इकट्ठे इसको टक्कर मारते हैं, फिर तीनों चिपक जाते हैं, चौथे को टक्कर मारते हैं फिर चिपक जाते हैं, पांचवें को टक्कर मारते हैं चिपक जाते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी बोलो एंड में क्या होगी, ठीक। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि कंबाइंड वेलोसिटी भी नहीं पूछी, क्वेश्चन में ये पूछा है कि पी परसेंट ओरिजिनल एनर्जी लॉस हो गया, टोटल एनर्जी में लॉस हो गया, वो लॉस कितना है कितने परसेंट ये निकालो। देखो एक तरीका है, पहले मैं इनकी कोलिजन लूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा और इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, फिर इनके मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, मत लगाना। तुम इस क्वेश्चन को ऐसे करना, इस क्वेश्चन में तुम सिंपल एक काम करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहला ब्लॉक लेना एम, सामने सभी ब्लॉक को इकट्ठा कर देना 15 m मास है, जोड़ दो ऐड कर दो, कि अल्टीमेटली सारे चिपकने वाले हैं ना, तो मैं बारी बारी की एक ही बार चिपका देता हूँ 15 m, और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब जब कोलिजन हुई ये भी चिपक गया, टोटल सभी को चिपका के 16 m मास हो गया और कंबाइंड वेलोसिटी एक ही बारी में आएगी कितनी vc। जब आप सॉल्व करेंगे vc कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं m × v प्लस 0 इज 16 m × vc, m से m कैंसिल, vc की वैल्यू कितनी आ गई v/16। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? मैं एक ही बारे में लगा देना, मेरी तरफ से यार 10 बार लगा लो, 5 बार टक्करे मारते रहो, पर मेरा एक शॉर्टकट है, मेरी बात मानो, यही लैंड करोगे इन दी एंड। तो मैं एक एक करके टक्कर मार के भी वेलोसिटी यही आएगी आपकी v/16, मत करो इकट्ठे ही चिपका दो, एक ही ब्लॉक ले लो तो ये वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन है लॉस इन एनर्जी कितनी है। अब जब ये ब्लॉक आया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1/2 × m × v² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 16 m मास की, कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर हो गया। तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कितनी v/16 का स्क्वायर। तो आपको लॉस निकालना है या परसेंटेज लॉस निकालना है, तो क्या करेंगे इनिशियल फाइनल इनिशियल इनटू 100 पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, परसेंटेज आएगी आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या शॉर्टकट मारा है इसमें? 5 बार कोलिजन करोगे तो पेपर निकाल दोगे अपना मेंस का इतनी देर में, तो या नीट का सीधा ही शॉर्टकट मारेंगे। टेस्टेड है, विश्वास मानो आएगा आंसर, दूसरे बैच में से होके आया आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या शॉर्टकट है इसमें? ठीक है, परेशान हो रहे हो? ठीक है,
जिंदगी तो आसान कर दी आपकी, कहाँ 5 बार टक्करे मारते रहते घर बैठ के आधा घंटा लगा देते। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में आंसर आ गया। घर जाके ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सारी फर्क द्वारा क्वेश्चन की, तब जाके मास्टरी होएगी। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल का मास m1 है और वह इस वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं एक और पार्टिकल है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, टक्कर के बाद v1, टक्कर के बाद v1 वेक्टर पता है, v2 वेक्टर नहीं पता, और मास की वैल्यू आपको पता है, तो आपको एंगल बताना है v1 वेक्टर v2 वेक्टर में क्या है, टक्कर हुई मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है। तो मैं सीधा आपको हिंट दे रहा हूँ, घर जाके करना, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या है m1 into u वेक्टर फॉर्म में करना, स्केलर मत लेना, i-cap j-cap में करना। तो m1 into u वेक्टर, सेकेंड बॉल किस पे, रेस्ट पे, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर आ गया। फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या है m1 into v1 वेक्टर, v2 वेक्टर नहीं पता, m2 into v2 वेक्टर। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर है, इन दोनों को इक्वेट कर लेना, इसे और इसे इक्वेट करना, सॉल्व करके क्या निकाल लेना, v2 वेक्टर निकाल लेना। मोमेंटम कंजर्वेशन से v2 वेक्टर आ गया, v2 वेक्टर आ गया, v1 वेक्टर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, आपको एंगल निकालना है v1 वेक्टर v2 वेक्टर का। एंगल निकालने का वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना, याद करो वेक्टर्स में किसी भी दो वेक्टर में एंगल निकालने का तरीका क्या था, डॉट प्रोडक्ट। तो तुम अब v1 वेक्टर लेना, गिवन है, v2 वेक्टर आपने निकाल दिया, काफी बड़ा क्वेश्चन है, मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल में आए हुए, तो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2, तो ये वैल्यू आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पता नहीं अजीब सा आंसर आएगा, पर नेगेटिव आएगा। तुम कहोगे एंगल तो पता लग नहीं रहा, पता नहीं माइनस समथिंग क्या आंसर आ रहा है, वैल्यू भी नहीं पता, एंगल निकलेगा ही नहीं तुमसे। हाँ ये बात पता है कि माइनस में एंगल है, नॉन मेडिकल का क्वेश्चन, मेडिकल का नहीं है। तो होगा क्या, मैथ्स वाले लोगों को पता है, इतना शायद मेडिकल वालों को भी लोगों को पता है, 4 ऑप्शन देख लेना, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, तो आंसर 15 नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता, फिर आंसर -45 भी नहीं है। मेडिकल के लोग समझ लें, कॉस ऑफ 45 या कॉस ऑफ -45 एक ही बात होती है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस के ऊपर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ही एक 105, सॉल्व थोड़ा करना 105 मार्क कर देना है, नेगेटिव देखते 105 आंसर है, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकेंड है। ये मैथ वाले लोग समझ सकते हैं जल्दी कि क्या बोल रहा हूँ, मेडिकल में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है इतना, बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कि कैसे सोचा जा सकता है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन, ताकि सारे बैच बराबर हो जाए हमारे, और इस क्वेश्चन को किया नहीं था मैंने, सिर्फ हिंट दिया था मैंने, आपको हिंट दे के छोड़ देता हूँ, लंबा क्वेश्चन आपको घर जाके करना पड़ेगा। अगेन मेडिकल वालों को शायद ना आए, NCERT में नहीं, मेडिकल में भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नॉन मेडिकल में आया हुआ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, 2 बार इसमें आके चुका है, तो मैं उनको तसल्ली भी दे नहीं सकता कि नहीं आएगा, आ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, मैं आपको क्वेश्चन मुझे याद ही है तो सीधा यही बता रहा हूँ मैं। वो ये कह रहा है कि एक ना h हाइट है, एक बॉल है या एक पार्टिकल है A, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, और B पार्टिकल है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2gh, राइट। इन दोनों की टक्कर होती है रास्ते में, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, टक्कर होती है, चिपक जाते हैं 2m। अब समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, अब जो वेलोसिटी बड़ी होगी, तो अगर नीचे की वेलोसिटी बड़ी है तो ऊपर उठ जाएगा, नीचे बड़े नीचे आ जाएगा। आपको बताने कि जब टक्कर हुई, और ये कभी ना कभी जमीन पे गिरेंगे, जमीन पे गिरने का समय क्या है, क्वेश्चन है, चिपके अब पता नहीं कहाँ गए, वो निकालो कहाँ गए, पर जमीन पे गिरे कितने समय पे, जमीन पे गिरे आफ्टर टक्कर, टक्कर के बाद चिपके, जमीन पे कितने टाइम पे गिरे, ये क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ऐसा करना है इसमें, सबसे पहले मान लो इनकी टक्कर यहाँ पे हुई, तो ये ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी टक्कर से पहले VA थी, और बी बॉल की ये वेलोसिटी VB थी, राइट। ये मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मान लो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है एक मिनट के लिए, तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम कितना है m into VA, इसका मोमेंटम कितना है -m into VB = combined mass 2m और फाइनल वेलोसिटी VF।
मैं अपना क्वेश्चन तब तक कर नहीं पाऊंगा जब तक मैं फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी निकाल ना सकूं। फाइनल लिख लो, कंबाइंड लिख लो, एक ही बात है। तो कंबाइंड वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। कंबाइंड वेलोसिटी तब निकलेगी जब मैं वी और वी भी निकालूंगा। वी ए वी भी निकालने की मैंने कोशिश की। वी ए यहां पर क्या निकलेगा देखो, अगर मान लो टोटल हाइट एच है और मान लो ये हाइट एच डैश है, तो ये वाली हाइट एच माइनस एच डैश है। तो ये यहां पे आया, वी ए का फॉर्मूला जीरो प्लस, वी ए का फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा, वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी इंटू एच डैश। तो वी ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ टू जी इंटू एच डैश, सही है। और ऐसी वी बी निकाल लेता हूं, वी बी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 2gh का स्क्वायर, vb स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 इंटू जी इंटू एच माइनस। अब सारी प्रॉब्लम कहां पे है, va vb चाहिए पर प्रॉब्लम है h डैश, दोनों में देखो h डैश नहीं पता, वो तो मैंने खुद अज्यूम किया था। अगर मैं h डैश बता दूं तो va vb आ गया, वहां से सॉल्व करके कंबाइंड वेलोसिटी आ गई, फिर अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। VA और V इसकी वैल्यू निकालने के लिए, H डैश निकालने के लिए तुम्हें याद होगा हम मोशन में क्वेश्चन किया करते थे, क्या क्वेश्चन करते थे कि मान लो इनकी टक्कर यहाँ पे हो गई और ये अगर H डैश है और ये H माइनस H डैश है, तो आप यहाँ से लगाओ S इज यू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, याद है T टाइम में टक्कर होगी इनकी, मोशन के अंदर बताते ऐसा करते थे। और यहाँ पर भी H माइनस H डैश इज यू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, आप इन्हें ऐड कर लेना, ऐड करके टी आ जाएगा, टी से एच डैश आ जाएगा। इस एच डैश को यहां और यहां पुट करना, वी ए वी बी आएगा, वी ए और वी बी को यहां पुट करना तो कॉमन वेलोसिटी आएगी। और मजे की बात पता है क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉमन वेलोसिटी जीरो आएगी, चांस की बात है आंसर जीरो आ रहा है। तो टक्कर खाने के बाद ये वही रुक गए फॉर एन इंस्टेंट, वही रुके और नीचे गिरे, कितना नीचे गिरे h माइनस h डैश। तुम्हें नीचे गिरने का समय निकालना है, तो h माइनस h डैश इज हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यहां से t डैश निकालना है आपको कितने समय में नीचे गिरे, h डैश आप निकाल चुके हो, पुट करके t डैश की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। जब ये पेपर में आया था ना, मैं भूल नहीं सकता, ये दिन धुएं निकल गए थे लोगों के कि ये क्या डाल दिया किसी ने, और वाकई धुएं निकलने वाली बात थी, इतना समय खा गया होगा ये क्वेश्चन, आप सोच सकते हो टाइम खा गया होगा इस क्वेश्चन ने, पक्की बात है। देखो तो सही, बाकी क्वेश्चन में लेंथ का फर्क कितना है,